गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप गेट इकोनॉमिक्स एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें सो दैट कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब गेट इकोनॉमिक्स एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेज हैं, इन दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि इनका दोनों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सो दैट कि आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाए। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले ये देखिए कि गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस। गेट इकोनॉमिक्स एक ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम है जिसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी, ध्यान सुनिएगा, आईआईटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएस एंड इसके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करता है आपको मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है बच्चों, आई रिपीट अगेन, गेट इकोनॉमिक्स ऑल इंडिया लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम है, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप आईआईटी में, एनआईटी में, आईएएस में और इसके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करता है उसमें आपको मास्टर्स एंड पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। पहली बात ये क्या है, गेट, गेट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, अब आईआईटी जैम देखिए, आईआईटी जैम भी ऑल इंडिया लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि मास्टर्स एंड पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है। इसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। आई रिपीट अगेन कि आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ आईआईटीज में ही एडमिशन मिलेगा, जबकि गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करके आईआईटी के साथ साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, एनआईटी, आईआईएस एंड उसके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपको मास्टर्स एंड पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, जबकि आईआईटी जैम रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एंड सिर्फ आईआईटी के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। गेट इकोनॉमिक्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में या फिर हायर ईयर में, अब मैं हायर ईयर क्यों बोल रहा हूं कि आजकल बहुत सारी डिग्रीज ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा की है, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री आपकी, मेडिकल की डिग्री 3 साल से ज़्यादा की है, तो यदि इंजीनियरिंग में या मेडिकल में आप थर्ड ईयर में हैं तो भी आप गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड जो जिनकी डिग्री 3 साल की है वो फाइनल ईयर में है तो भी एग्जाम दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होना ही चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं या उसके ऊपर वाले ईयर में हैं, तब आप दे सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, आप किसी भी ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं तो आप गेट इकोनॉमिक्स देने के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी से, एनआईटी से, आईएएस से, मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए आप एलिजिबल हैं। क्लियर है, चलिए आईआईटी जैम का भी देख लीजिए। आईआईटी जैम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है बच्चों, आईआईटी जैम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको ग्रेजुएट होना है इकोनॉमिक्स में, या एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन में 2 साल तक इकोनॉमिक्स होना है। आई रिपीट अगेन, या तो आपको इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होना है या फिर एटलीस्ट
दो साल तक आपके आपके डिग्री में इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। दो साल तक आपने अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्लियर है। एंड एक और शर्त है कि कम से कम अपने ग्रेजुएशन में आपने एक साल तक मैथमेटिक्स भी पढ़ी है। यहां पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर मिनिमम ऑफ टू ईयर, दो साल तक, एंड मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट वन ईयर। एक साल तक मैथमेटिक्स और दो साल तक इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप IIT जैम दे सकते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। आगे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गेट का नोटिफिकेशन 23 जुलाई को आया था बच्चों। गेट का नोटिफिकेशन कब आया था? 23 जुलाई को आया था। आप इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, आप देख सकते हैं गेट का नोटिफिकेशन 23 जुलाई को आ गया था। अगस्त 24 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, सितंबर 26 तक ये लास्ट डेट है, ठीक है बच्चों। अक्टूबर 7 तक आप लेट फाइन के साथ कर सकते हैं, नवंबर में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी में आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम है आपका 1, 2, 15 और 16 फरवरी को, एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स अवेलेबल होगा फरवरी में, आंसर शीट भी फरवरी में आ जाएगा, आंसर की फरवरी में आ जाएगा, सबमिशन ऑफ चैलेंजेस आप फरवरी में कर सकते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट मार्च 19 को है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड मार्च 2025। ये नोटिफिकेशन में है सारी चीजें, आगे देखते हैं और क्या है। अब IIT जैम का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, IIT जैम का नोटिफिकेशन, कंडक्टिंग एग्जाम का क्या नाम है बच्चों? एग्जाम का नाम है IIT जैम इकोनॉमिक्स, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। IIT जैम इकोनॉमिक्स देख रहे हैं आप लोग, IIT जैम इकोनॉमिक्स, कंडक्टिंग बॉडी कौन है? IIT दिल्ली। एग्जाम का टाइप क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेवल। एग्जाम का लेवल क्या है? नेशनल लेवल, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे। कोर्सेज क्या ऑफर करता है? पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन मोड क्या है? ऑनलाइन। एग्जाम मोड क्या है? ऑनलाइन। एग्जाम डेट क्या है? 2 फरवरी, एंड एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का है, ठीक है बच्चों। और एग्जाम का जो पैटर्न है मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, आगे देखिए। गेट का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों के सामने है, यहां पे मैं दिखा सकता हूं आप लोगों के लिए, गेट का एग्जाम का पैटर्न यहां पे है बच्चों, देखिए गेट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसमें 3 सेक्शन है बच्चों, 3 सेक्शन। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड, और ये होता है 15 मार्क्स का, यानी इसमें आपको 10th लेवल तक का इंग्लिश पूछ सकता है, मैथ पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये 15 मार्क्स का है। रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन इन इकोनॉमिक्स, मतलब ये कि इकोनॉमिक्स में रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन आपसे पूछेगा। आप कैसे? तो किसी बुक का कोई पैराग्राफ दे दिया, कोई सिचुएशन दे दिया और उससे आपको क्वेश्चन पूछता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग दे दिया और इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये होता है 25 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट सेक्शन इज कॉल्ड कोर इकोनॉमिक्स, ये है कितने का? 60 मार्क्स का, और इसका जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। मतलब गेट में ये सिलेबस है 3 सेक्शन में। अब देखिए यहां पे IIT जैम का जो सिलेबस है इन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, IIT जैम का जो सिलेबस है बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि इसमें 3 सेक्शन होंगे बच्चों। कितने सेक्शन होंगे? इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में सिर्फ एंड सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और वो 30 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स 30 मार्क्स का,
सेक्शन बी में मैक्रो इकोनॉमिक्स 30 मार्क्स का एंड सेक्शन सी में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, और वो दोनों मिला के 40 मार्क्स का। यानी बहुत ही क्लियरली इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि भैया देखो माइक्रो एंड मैक्रो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हाँ मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के माइक्रो एंड मैक्रो तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आपको माइक्रो मैक्रो के साथ साथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स ये भी पढ़ना है, तब जाकर के आपका उसमें मार्क्स अच्छा आएगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि इन दोनों के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन दोनों के लिए मतलब गेट एंड आईआईटी जैम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, इन दोनों एग्जाम्स में तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है पता आप लोगों को बच्चों? इन दोनों एग्जाम में एक तरह का जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज, दूसरा है आपका एमएसक्यूज, ठीक है, एंड तीसरा है आपका एनएटी। ध्यान से सुनिए, एमसीक्यूज में चार ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही है। एमएसक्यू में चार ऑप्शन या चार ऑप्शन से ज्यादा हो सकते हैं और एक से ज्यादा सही हो सकता है, ठीक है। एंड एनएटी में ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको उस टाइम कैलकुलेट करके बताना होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा आगे कि यहां पे कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है, यहां पर भी कुछ नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको यदि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है बच्चों, यदि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को। जैसे दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें जैम वाला जो आईआईटी जैम का सिलेबस बिल्कुल कंसाइज कर दिया है। ऐसा नहीं कि उसने माइक्रो मैक्रो और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कर दिया तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गलती मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गलती मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको मैक्रो में पढ़ाया जाता है, कई जगह आपने देखा है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स माइक्रो में पढ़ाया जाता है, कई जगह आपने देखा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स माइक्रो में पढ़ाया जाता है। तो आईआईटी भले ही कंसाइज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो अभी तक आ रहा है वो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरा ये आप लोग के लिए सजेशन है कि हर चीज को पढ़िए, पूरे इकोनॉमिक्स को पढ़िए बच्चों, पूरे इकोनॉमिक्स को पढ़िए। और किस तरीके से पढ़िए, ये देखिए, पहला कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ आप मैथमेटिक्स भी पढ़िए, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़िए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं बार बार कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन, बिना मैथमेटिक्स के आप इकोनॉमिक्स में कंक्रीट रिजल्ट पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। और मैथमेटिक्स में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये दोनों चीजें पढ़नी है, फंक्शन पढ़ना है, लिमिट कंटिन्यूटी आप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, कि दोनों दो इक्वेशन है, एक डिमांड के इक्वेशन है, एक सप्लाई के इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसकी कंक्रीट वैल्यू क्या आएगी,
एंड यदि और आगे जाते हैं तो आपको मैट्रिसेस भी पढ़ना है इनपुट आउटपुट एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप यहां पर देखें बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसके साथ साथ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन यानी स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है बच्चों। डेटा इंटरप्रिटेशन इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन यानी स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बिना आप जीडीपी में कितना वेरिएशन आता है, कितने रेट से ग्रो हो रहा है, या हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप नहीं करेंगे सारी चीजें, आईआईटी जैम और गेट इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि असंभव नहीं तो थोड़ा मुश्किल जरूर है। और ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाया है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी जैसे आप इकोनोमेट्रिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स आपके पास, इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। सबके साथ जहां भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है वहां उसका एप्लीकेशन सीखिए, वहां उसका एप्लीकेशन सीखिए बच्चों। पब्लिक इकोनॉमिक्स है ना बच्चों, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी, ये चीजें इंडियन इकोनॉमी में भी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी जाकर के हो पाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।